लगा के आए हैं क्योंकि चालान कट रहा है। आज स्कूटी से आए हम लोग, बाल कटा है जैसे कि देख सकते हैं हमारी स्कूटी खड़ी है और सारी थोड़ी सी भीड़ हो रही है, तो जो भीड़ चली जाएगी तो हम लोग बाल कटवा लेंगे गाइस। वेटिंग चल रही है और जो मेरी स्कूटी है अली भाई की किराए पे गई हुई है। कहाँ गई हुई है? मेरी जरा ले गए किराए पे गई हुई है इनकी। भाई जैसा कुछ है बोर्ड और ये है शॉप और ये हमारे अली भाई बैठ गए। ले भाई ये अली भाई का कुछ और ये हमारे सलमान भाई इस शॉप के ओनर है और यहाँ पर बाल कटिंग हो रही है। हीरो बनाए जा रहे हैं ये हीरो। ये भाई खड़े, भाई अपना नाम बता दीजिए। इमरान, इमरान इमरान भाई काट रहे हैं बाल और इधर इधर भाई कटवा रहे हैं। कौन सा लुक है भाई ये? अपना नाम बता दीजिए। स्वयं नाम है भाई का और ऐसा कुछ है इन चीज़ें देख सकते भाई। बहुत सारी क्रीम रखी हुई है। अली भाई क्या बोलना चाहिए? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अली भाई बाल कटा रहे, अली भाई बाल कटा रहे हैं। जब तक हम भाई से अपने बात कर लेते हैं तो भाई आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे शॉप पे? हमने यहाँ पे 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने? तो 4 महीने में आपने क्या क्या मतलब करा अभी तक? मतलब कटिंग के अलावा? कटिंग भी करी, सेल्फ भी बनाई है और बाकी जो भी काम होते हैं फेसियर मसाज ब्लीच सब होती है। रिमोल्डिंग भी होती है, सब करा आपने? सब आता है, कुछ सीखा है? मतलब हम सीख रहे हैं अभी कुछ, अभी मतलब कुछ सीखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, सलमान भाई हमारे उस्ताद हैं। तो मतलब आपने सीखा नहीं था पहले, आप सीख रहे हैं? सीख रहे हैं पहली बार। हाँ, आपने कहीं काम नहीं कराया? कहीं काम नहीं कराया इससे पहले। अच्छा, तो कहाँ पे दुकान का एड्रेस बता दीजिए। ये मौजमपुर में मतलब LIC बैंक के पास, पुरानी LIC बैंक के पास में। आप लोग देख सकते हैं हम लोग के बाल कट गए हैं। और गाइस कमेंट कर बताना किसके अच्छे लग रहा है, कि मुझे पता है खुशहाल भाई के अच्छे लग रहे होंगे यार। तो एक बार बता देना कमेंट करके। तो चलते हैं गाइस घर पे और नहाते हैं। अभी जुमा हो रहा है तो अभी हम लोग का टाइम ही बचा। आज जुमा है ना, आज जुमा है तो नमाज पढ़ेंगे यार। नमाज पढ़ लेते हैं गाइस, उसके बाद मिलते हैं गाइस। नमाज पढ़ने के बाद पूरा डेली व्लॉग होगा गाइस, तो ठीक है मिलते हैं। देखिए धरराएं से काट रही है ओम तो। गाइस हम लोग बाल कटाई आए थे और अभी हो रहा है शाम का टाइम, कितने बज रहे हैं? तो गाइस हम लोग जा रहे हैं और उसे अभी रिवील नहीं करेंगे। हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे, मगर जो हम लोग ने ब्लॉगिंग गाइस तुलसी बची रही थी रिवील करने के, कहते रिवील मत करा करो यार, रोक दे। गजब बेइज्जती है। 6:08 हो रहे हैं अभी और हम लोग ने सुबह से ब्लॉगिंग करी नहीं। जुमा था, नमाज उमाज पढ़ के आ गए थे। कहीं बताना कौन सा बढ़िया लग रहा है, किसका हेयर स्टाइल? ये दोनों के भाई तो देखो कतई। चलते हैं गाइस आगे। चले गाइस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल KDX व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस हम लोग इंट्रो करना भूल गए थे सुबह से। हो गया नहीं हुआ सही है। तो गाइस हम लोग इंट्रो करना सुबह से भूल गए थे। आज मास्क लगा के आए हैं क्योंकि चालान कट रहा है। आज स्कूटी से आए हम लोग, चालान कट रहा है इसलिए मास्क तुरंत खरीदा जरूरी होता है। हाँ, तो आज हम लोग आए हैं फैजी पान भंडार पे, जैसे कि आप देख सकते हैं फैजी भाई के यहाँ आए हुए हैं। फैजी भाई हाय करते हो एक बार। तो आगे दिखाएंगे गाइस आपको, मिलवाएंगे फैजी भाई से हमारे। और जब तक आप शॉप का टूर लीजिए, मिलते हैं गाइस आज। बताइए आपकी दुकान का ये शुरुआत कैसे करी थी आपने?
मैंने अपनी शुरुआत दुकान की करी थी पान। सबसे पहले आपने पान कोल्ड ड्रिंक से करी थी। अच्छा, तो आपने कितने प्रकार के पान बनाए थे सबसे पहले? मतलब हमारे पास बहुत किससे स्टार्टिंग के पान, मतलब कितने, मतलब बता दिए थोड़े टाइप। सादा पान हो गया, सादा पान, मीठा पान और वगैरह, तंबाकू का जर्दे वाला पान और बहुत से पान हैं जिससे लगते चॉकलेट से, चॉकलेट वाला पान, फायर पान, ये सारे मिलते हैं आपके पास हैं। तो फैजी भाई, आपने इतना मतलब कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? ये तो लगभग मुझे तो यहाँ पे संभालते हुए लगभग 15 साल हो गए। 15 पहले मेरे पापा बैठा करते थे, लगभग 50-60 साल चला गए। 50-60 साल हो गए आपकी ये शॉप को, 50 साल हो गई। देख सकते हैं गाइस, इन्होंने फिर से रिन्यू कराई थी अंदर से, ये फिर से टीन डली थी, मैंने देखी थी। सबसे पुरानी गाइस ये शॉप, पान की भंडार, मतलब पान की शॉप सबसे पुरानी है ये। और गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी स्नैक्स मिल जाते हैं, मतलब चखना एक टाइप का, मतलब पहली बार बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हर टाइप की चॉकलेट मिलेगी आपको। जब भी आप घर आए तो यहाँ बच्चों के लिए करना, और हमारे फैजी भाई बहुत अच्छी जानकारी है, अब हमारा नाम लेंगे तो आप कुछ चीज़ें। तो फैजी भाई का 60 सालों से यहाँ पर नाम है, फैजी पान भंडार है। और फैजी भाई ने अब तक बड़ा बड़ा के इतना बड़ा कर लिया, अपना ये शोरूम टाइप का बना लिया अब तो, ये कॉफ़ी का भी शुरू कर दिया है वगैरह अब रखने लगे हैं, और ये स्नैक में ये पेटीज वटीज भी स्टार्ट कर लिया, और क्रीम रोल लगती है। हाँ, तो फैजी भाई आपको 50-60 साले हो गई हैं, तो आपने मतलब हमारे पापा पहले बैठा करते थे, पापा ने शुरू करा, लगभग 15 साल से मैं यहाँ पे बैठता हूँ। आपको हुए 15 साल हुए जी, तो आपके क्या अब मतलब आपने क्या क्या बढ़ाया स्नैक्स में? और बहुत आइटम जैसे कि ये पेटीज बढ़ाई हैं, और आपने कॉफी कॉफी और पेटीज वो पेस्ट्री मैंने फ्रिज में रख रखी है। क्या क्या ऐड करा आपने दुकान पे? और नया तो यही बस अभी ऐड करा है, बाकी बच्चों का सब आइटम है, मतलब खाने पीने के, मतलब चॉकलेट सारी होती है। तो आपके पास हुक्के भी मिल जाते हैं? मैंने सुना हुक्के भी हमारे पास मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ हुक्के हैं, और थोड़ी सी शार्टिंग चल रही है। और लाइटर्स क्या आप बता रहे थे, बहुत अच्छी कलेक्शन है आपके पास, लाइटर भी काफी प्रकार के हमारे पास अच्छे हुए हैं। अच्छा, तो आप कुछ दिखा सकते हैं आपके मतलब क्या क्या लाइटर के टाइप्स हैं हमारे पास? और रखे मैंने, और ये भी हैं, और नीचे रखे हुए फैजी भाई निकाल के दिखा सकते हैं थोड़े से। यहाँ पर लाइटर्स आ चुके हैं, और ये सबसे फेवरेट मेरा लाइटर ये है, देख सकते हैं गाइस आप, जला के दिखा दीजिए कुछ भाई। बहुत बढ़िया है इसमें। और तो फैजी भाई, इसके प्राइसिंग बता दीजिए आप जरा। प्राइस ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये वाला कितने का है? 30 रुपये का है ये, 30 का है, ये 50 रुपये का, ये 50 का है, ये भी 30 का ही होगा, ये भी 30 रुपये का है, ये एक ही है, कलर पे कलर अलग है। और इधर रखा हुआ है ये 40 रुपये का है, ये वाला 40, और ये 20 रुपये का है, ये 20 का है। तो फैजी भाई, हमें कुछ टेस्ट कराना चाहेंगे आप, पेटीज या फिर कॉफ़ी? हाँ, जो मर्जी टेस्ट करो। तो एक एक पेटीज निकाल लीजिए फैजी भाई। हमारे टेस्ट कर रहे हैं वाली वाइट है, बहुत ही ज्यादा गर्म है और बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में, तो आप टेस्ट करने में देखते हैं टेस्ट करने में उतनी बढ़िया है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ टमाटो सॉस और 4 रुपये की है, 24 और कुछ। और ये मेरी गाइस और अली भाई देख, और गर्म बहुत है गाइस, मतलब गर्म है यहाँ की पेटीज, चॉकलेट वाला ये। फैजी भाई क्या है ये बता दीजिए? ये हुक्के के फ्लेवर, हुक्के के फ्लेवर किस कंपनी के हैं आपके पास? माया है और मिस्टर हुक्का है। हाँ बेटा और बोलो। तो इधर हुक्के लेने आए बच्चे, अली भाई खाए जा रहा है पूछ ही ले रहा है, खुशहाल भाई खा रहे हैं वीडियो पहले बनाई थी इसलिए खुशहाल भाई ने सोचा मैं वीडियो कर। और यहाँ पर हुक्के बेच रहे हैं, हुक्के कह रहे हैं हुक्के, इनके पास आज कलेक्शन है नहीं ज़्यादा, और
हमारे पास भी आज हुक्का, वो भी आपको पी के दिखाएंगे अली भाई। अली भाई पी के दिखाएंगे आज। तो कौन सा फ्लेवर ले गए थे अली भाई? हमारे पास है गाइस चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट नहीं है वो, है शायद रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट है, हाँ वो रोमियो जूलियट है गाइस। हमारे पास ये रखा, ये वाला है हमारे पास फ्लेवर गाइस। अच्छा है गाइस, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये वाला फ्लेवर है। तो भैया कब से ले जा रहे हैं आप फ्लेवर यहाँ से? एक साल से। आपका फेवरेट फ्लेवर बता दीजिए। फेवरेट फ्लेवर कौन सा? चॉकलेट डबल एप्पल। अच्छा, डबल एप्पल तो ज़्यादातर सबका ही होता है जो लोग पीते हैं। और हमारा सबसे फेवरेट जो है चॉकलेट है, और ये रोमियो जूलियट ये है। वली भाई बताइए, खा ही नहीं पा रहे हैं आप? बताइए कैसी लग रही है आपको? बहुत कौन सी है ये, आलू वाली पनीर वाली? आलू भरे हुए हैं। तो गाइस मिलाते हैं फिर से फैजी भाई से। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग खुश रहें और इस कोरोना महामारी से जो है बचे रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और बगैर आप लोग कभी भी किसी को टाइम मिले आए हमारे शॉप पर, पान पेटी कॉफ़ी जो भी खाना पीना है आए पिए। और मिलते किसी नए व्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो बता देना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इस वीडियो पे मुझे चाहिए 50 लाइक, क्योंकि इस वीडियो में उस सबसे सब ब्लॉग से ज़्यादा इस ब्लॉग में मेहनत लगी है। उन्हें पहले तो राजी करा, फिर उनके घर पर उनकी दुकान पर गए, उनके ब्लॉग बनाया। गाइस आप पीछे की मेहनत नहीं देखते, आप तो सिर्फ ब्लॉग देखते हो, मेहनत तो हम लोग करते हैं ना, तो लाइक जरूर कर देना गाइस ब्लॉग को प्लीज। और शॉर्ट हम लोग डालना है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी बता दीजिएगा शॉर्ट कैसे लग रहा है हमारे। और गाइस एक शॉर्ट को आपने बहुत सपोर्ट दिया, उस पर लगभग 700 व्यूज हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। मुझे लगता है हमारे गाइस मतलब जितनी भी जनता केडीएल ब्लॉग को बहुत पसंद करती है। और गाइस जिन लोगों को बोलना है बोलने दीजिए, उनसे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।